हाथरस में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन हाथरस में झंडारोहण कर पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपथ। जनपद में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। हाथरस से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में लागू साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत क्षेत्र में चलाया गया चेकिंग अभियान तथा शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु किया गया जागरूक। साथ ही लोगों को अवगत कराया गया कि जनपद में जारी साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत आप लोग बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, 2 गज की दूरी बना कर रखें। हाथरस से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हाथरस में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष जितेंद्र वासने के नेतृत्व में क्रांति चौक शासनी गेट पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चौधरी चंद्रवीर सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हाथरस से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जनपद महोबा में मानव सेवा संस्था टीम द्वारा कस्बा कुलपहाड़ में करवाया गया ध्वजारोहण कार्यक्रम। मंडल महामंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि तिरंगा हमारी जान है। महोबा से सूरज भान की रिपोर्ट। महोबा पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा अपने कैंप कार्यालय एवं पुलिस लाइन महोबा में ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। महोबा से सूरज खान की रिपोर्ट। अमेठी जनपद के तिलोई तहसील के मोहनगंज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बता दें रविवार को शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से बैंक में सब कुछ जलकर हुआ खाक। अमेठी से राज नारायण सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी नगर परिषद पृथ्वीपुर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कार्यक्रम में सीएमओ प्रदीप ताम्रकर ने संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और सेना बलों के जवानों को याद किया। निवाड़ी से मनोज निराला की रिपोर्ट। राजस्थान के छबड़ा में आज 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर तेजस्वी उपाध्यक्ष सुंदरलाल गोकुल गुर्जर, गोपाल उपाध्यक्ष, आईटी सेल के रामधन बमोरा, हरिप्रसाद मीणा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान से राजमल मीणा की रिपोर्ट।